हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा स्टाइल कॉर्नर और मैं हूँ स्नेहा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो हमारे हेयर के लिए काफी फायदेमंद एंड काफी जादुई वर्क करेगा। सो वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि मैं आज कौन से टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। सो या गाइस, आज मैं हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। सो ये वीडियो जो है एक हेयर ऑयल पे बेस्ड है। इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है अनियन हेयर ऑयल का, बट वो लिटिल बिट कॉस्टली था। तो मेरे व्यूअर कह रहे थे कि 500-600 का ऑयल है, थोड़ा कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे, बट जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। सो मैं काफी टाइम से सर्च कर रही थी, सो मुझे एक ऑयल मिला, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है ये, और काफी ज्यादा इफेक्टिव है गाइस। मैंने पर्सनली यूज किया है, एक दो महीने से मैं यूज कर रही हूँ। मेरे बालों की आप लंबाई में देख सकते हो कि इंक्रीज हुई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। फील के इनफैक्ट मैं खुद देख रही हूँ कि मेरे बाल इंक्रीज हुए हैं, बाल पहले से सॉफ्ट स्मूथ एंड मैनेजेबल हुए हैं। और जो प्राइस है ना, आप सुनोगे आप बिलीव नहीं करोगे कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी के हेयर ऑयल कैसे मिल रहे हैं। सो आज इसी हेयर ऑयल पे हम लोग बात करेंगे कि हेयर ऑयल क्या है, कैसे बना है एंड इसके कैसे यूजेस हैं एंड ये क्या क्लेम करता है। सो इन चारों पांचों टॉपिक्स पे मैं आज आपके साथ बात करूंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जिस हेयर ऑयल की मैं बात कर रही हूँ वो एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है एंड उसका नाम है केस राशि। सो आप देख सकते हो कि इस हेयर ऑयल, वो जिस हेयर ऑयल की मैं बात कर रही हूँ, आप कह सकते हो कि मिरेकल हेयर ऑयल है, जादुई हेयर ऑयल है, आपके बालों के लिए वरदान है कह लो। बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है एंड सबसे बड़ी बात है कि ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपके बाल स्टार्ट हो जाएंगे, गिरना स्टार्ट हो जाएंगे या हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको सूट करेगा, बट या आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ये वर्क करेगा, बस थोड़ा स्लो वर्क करेगा, बट करेगा जरूर, क्योंकि मैंने खुद पे ये आजमाया हुआ है। तो 100% ये वर्क करेगा। साथ ही साथ इसमें कोई केमिकल नहीं है। आपको भी पता है कि आयुर्वेदिक किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल वगैरह यूज नहीं होते हैं। पैराबेन सल्फेट फ्री है और ये 100% नेचुरल है गाइज, सबको सूट करेगा। तो हम बात करेंगे आज इस हेयर ऑयल के बारे में। ये केस राशि हेयर ऑयल है एंड ये नेचुरॉन ब्रांड की तरफ से आप देख सकते हैं। एंड ये गाइज 14 ईयर से इनकी कंपनी चल रही है, काफी अच्छी रिस्पांस। इनके जो प्रोडक्ट लिस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, उन सबों का भी मैं वीडियो आप सबने जल्दी शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं मुझे ये सबसे ज्यादा हेयर ऑयल अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आप सबके साथ ये हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ। हम लोग बात करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में। तो मैं आउटर पैकेजिंग की बात करूँ तो ये कुछ कार्डबोर्ड किस तरह के पैकेजिंग में आपको रिसीव होता है। यहाँ पे इनके ऑयल का नाम लिखा हुआ है एंड यहाँ पे इनके ब्रांड्स का नाम लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको साइड में इनके क्लेम जो इन्होंने किया है वो चीजें मेंशन की गई है। एंड देन यहाँ पे पीछे एमआरपी वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन है एंड यहाँ पीछे इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट है। सो ये रही आउटर पैकेजिंग। एंड इनर पैकेजिंग में बात करूँ तो ये कुछ इस तरह के प्लास्टिक के बॉटल में आपको रिसीव होता है, ब्लैक एंड रेड इन कलर में आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे इनका कैप है, सो ब्लैक एंड रेड इन कलर में है इनका बॉटल और ये इस पे लिखा हुआ है नेचुरॉन एंड आयुर्वेदिक हेयर ऑयल केस राशि। ये पैकेजिंग तो हो गई। सो बात करते हैं अब इनके प्राइस एंड क्वांटिटी की। सो ये बहुत ही ज्यादा गाइस अफोर्डेबल है, अंडर 200 रुपीज है, इवन कि आप कह सकते हो अंडर 150 रुपीज है। एंड इसकी जो क्वालिटी में बात करूं एंड इसके बेनिफिट की बात करूं तो वो आप जब यूज करोगे आपको खुद असर दिखने लगेगा कि हाँ ये सच में वर्किंग है। सो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ml की एंड इसका जो प्राइस है ओनली 140 रुपीज है गाइस। एंड अक्सर इस ऑयल पे डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं एंड ये आपको इजिली amazon.in से भी मिल सकता है। इसका जो भी लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। सो या 140 रुपीज में 100 ml की क्वांटिटी आपको मिल रही है गाइज। अब और क्या चाहिए आपको, 142 रुपीज आई थिंक सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। तो जो वो अनियन हेयर ऑयल को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, 500-600 के ऑयल नहीं यूज कर सकते हैं, सो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर वो चाहते हैं कि अनियन ऑयल भी रहे तो इसमें आप अनियन का जो जूस होता है उसको आप इस ऑयल मिक्स करके अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हो। सो मैं बात करूंगी अब इसके फ्रेग्रेंस एंड कलर की कि कैसा स्मेल, इसकी स्मेलिंग कैसी है एंड ऑल। सो मैं बात करूं इसके फ्रेग्रेंस की तो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, बहुत ज्यादा यू नो माइंड को काम करने वाला ऐसा इसका स्मेल है।
बहुत मुझे अच्छा लग रहा है एंड ये रेड इन कलर में है, जो ऑयल का कलर है वो रेड कलर का है। एंड यार गाइस सबसे अच्छी बात इस ऑयल की जो मुझे ये लगी कि ये बहुत ही लाइट वेटेड है, आप अपने हेयर पे लगाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अपने बालों में कोई तेल वगैरह लगाया है, बिल्कुल भी हैवी नहीं, स्टिकी फील नहीं करोगे, बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत सही वाला ऑयल है, मुझे बहुत पसंद आया। मेन आते हैं इनके इंग्रेडिएंट पे, तो गाइस इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ये 9 फूलों के रस से ये मिल के ऑयल बन के रेडी हुआ है। इसके मेन 9 इंग्रेडिएंट्स है जिसमें फर्स्ट है आंवला का तेल, बादाम का तेल, गुड़हल का तेल, तिल का तेल, हर श्रृंगार, जसवंत एंड ब्लैक हिना, हिना, ये सारे 9 इंग्रेडिएंट मिलकर ये ऑयल रेडी हुआ है जो कि आपके बालों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। जो भी चीजें इसमें यूज हुई हैं आपको ही पता है कि गुड़हल का फूल हमारे बालों की हेयर ग्रोथ में काफी हेल्प करता है एंड हमारे रूट्स को इन्हों बहुत ही स्ट्रांग रखता है। सीसम ऑयल, तिल का तेल हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है, हिना अच्छा होता है, आंवला हमारे बालों को मजबूत करता है, हिना हमारे बालों को ब्लैक करता है नेचुरली एंड आलमंड ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। तो ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना गाइस वो बहुत ही नेचुरल है एंड काफी इफेक्टिव है। इनके जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट है वो स्क्रीनशॉट में मैं लगा दूंगी। सो बात करते हैं कि इस ऑयल क्लेम क्या करता है। ये ऑयल तो ये क्लेम करता है कि हेयर फॉल को एकदम कंट्रोल करेगा, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होने देगा और जो प्रीमेच्योर यू नो ग्रे हेयर होने लगते हैं, जो समय से पहले बाल हमारे सफेद होने लगते हैं उन्हें ये कंट्रोल करेगा, आपके बाल असमय सफेद नहीं होंगे। एंड थर्ड है ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को अच्छे से क्लीन कर देगा, आपके स्कैल्प को नीट एंड क्लीन बनाए रखेगा, बालों को स्ट्रांग बनाएगा, सिल्की स्मूथ एंड शाइनी करेगा एंड साथ ही साथ रीग्रोथ एंड वेलनेस एरिया में भी काफी अच्छा वर्क करेगा। सो ये रहा इनका क्लेमिंग। सो क्लेम के अकॉर्डिंग ये खरा उतरा क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ, मेरे बाल की ग्रोथ में काफी इंक्रीज हुई है, काफी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है, बाल मेरे पहले से बहुत ज्यादा शाइनी सिल्की एंड स्मूथ हुए हैं। सो गाइज पहले मैं एक चीज आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी इससे पहले इन्होंने इन हेयर ऑयल का रिव्यू किया था एंड देन आज ये केस राशि का। सो गाइज हम यूट्यूबर हैं, हम जब तक नई चीजें यूज नहीं करेंगे तब तक आप सबने शेयर कैसे करेंगे, तो हम नई नई चीजें यूज करते हैं, अगर हमें वो चीजें अच्छी लगती तब वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, हमें नहीं अच्छी लगती या नहीं समझ आता है, लगता है कि व्यूअर के लिए अच्छा नहीं हो तो वो चीजें हम लोग शेयर नहीं करते हैं। तो बारी आती है कि इसे यूज कैसे करना, हाउ टू यूज दिस हेयर ऑयल। सो इसे बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे 5 ml या 10 ml की क्वांटिटी में आप लो एंड देन इसके बाद आपको स्कैल्प में लेके अपने फिंगर टिप से ऐसे ऐसे मसाज करना है, बहुत ही जेंटल मसाज करना है जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो, जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी तो आपके बालों में काफी इफेक्ट करेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा हेयर केयर रूटीन क्या है या मैं अपने हेयर में ऑयलिंग कैसे करती हूँ या मेरे ये बाल इतने सुंदर लंबे कैसे हुए हैं तो प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा, मैं उसका वीडियो जरूर आप लोग साथ शेयर करूंगी। गाइज ये रहा मेरा केश राशि हेयर आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के ऊपर एक छोटा सा रिव्यू और ऑनेस्ट रिव्यू, मुझे काफी पसंद आया गाइज। इसका लिंक अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो। और इस जो ब्रांड्स के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे वेट लॉस या वेट गेन कैसे करें, वेट लॉस कैसे करें, सोप, बहुत सारी चीजें, अगर आप चाहते हो उनका रिव्यू या आप सजेशन में शेयर करूं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और बहुत जल्दी इससे रिलेटेड एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड। अगर ये मेरा वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा और ये तेल अच्छा लगा होगा तो प्लीज कॉमेंट करके बताना और बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट मिनट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।